<coughs> यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वे वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं हादेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 अनिर्वाच्य वेद्या द्वितयसचिवस्य प्रभवतो विवर्ताय सैते वियदनिलते यो

शांति मुंडक मंत्र को लेकर के ब्रह्म सूत्र में विचार चल रहा है भूत योनि धीरा जगत के कारण का साक्षात्कार करते हैं विवेकी लोग विद्वान लोग इक्कीस नंबर सूत्र का विचार हुआ उसके बाद बाईस नंबर सूत्र है बाईस नंबर सूत्र है देखो विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरो बोलो विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरो विशेषण भेद व्यपदेशाभ्या कहते हैं विशेषण और भेद का व्यपदेश मतलब भेद का कथन तात्पर्य क्या है क्योंकि दिव्यो ही अमृत पुरुष है सबाह्याभ्यंतरोज है अप्राण ही अमनाशभ्र ऐसा कहा गया तो दिव्यो ही अमृत इस श्रुतियों में वो दिव्य है व्यापक है अपरिच्छिन्न है इस प्रकार का विशेषण दिया गया जगत का कारण में जगत का जो कारण है भूतज्वनी जिसको शब्द से कहा गया उसमें दिव्यत्व इत्यादि विशेषण दिया गया वो तो परमात्मा स्वयं प्रकाश है अपरिच्छिन्न है सर्वत्र व्याप्त है इस प्रकार कहा गया ठीक है इसलिए दिव्यत्वादि जीव का गुण नहीं हो सकता जीव संप्रकाश आदि है ही नहीं इसलिए जीव भूतजोनी नहीं है इतना आया हाँ उसके बाद कहा गया कि भेद विपदेशा तो भेद का व्यपदेश भेद व्यपदेश का अर्थ है शब्द प्रयोग कैसे अक्षरात् परतः पर जगत का कारण को अक्षर से पर कहा अक्षर का अर्थ माया समझ में ना? माया से जगत का कारण पर है अक्षरात् परतः पर स्ुति में अक्षर और परमात्मा में भेद कहा गया अक्षर माया है माया से भिन्न परमात्मा है ठीक है इसलिए प्रधान भूतों का कारण नहीं है ना जीव है जगत का कारण ना प्रधान जो सांख्य से परिकल्पित प्रधान वो भी जगत का कारण नहीं है किंतु परमात्मा ही भूतों का कारण है ये कहा यहाँ पर विशेषणा भेद विपदेशाभ्याम पंचमी का द्विवचन है विशेषण भेद व्यापाभ्या इसलिए न इतरो न वो अलग करो शब्द और इतरो जीव और प्रधान जगत के कारण नहीं है ये ब्रह्मसूत्र है ठीक नारायण नारायण देखो अब भाष्य में देखिए इत मतलब इस हेतु से भी भाष्य देखो परमेश्वर एवं भूत योगीर परमात्मा ही भूतों का कारण है न इतरो ये दोनों नहीं है जगत के कारण कौन शारीर प्रधानम्बा न जीव में परिचिन्न जो शरीर में परिचिन्न जीव है शारीर शारीर का अर्थ यहाँ पर जीव न जीव जगत का कारण है ना प्रधान जगत का कारण है कस्मान क्यों नहीं किस हेतु से कह रहे हो अक किस हेतु से भाष्य मिला भाष्यमला सबसे ऊपर तो सूत्र में कितने पद है जानते हो दो है कि तीन चार पद है पहला पद है विशेषण भेद विपदेशाभ्याम ये व्याख्यान चल रहा है व्याख्यान जानते हो किसको बोलते हैं व्याख्यान पदाचेद हो, पदार्थोति ती वाक्य योजना और आक्षेपस् समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम ये कितने पौधे है सूत्र में उसको विचार करना पड़ता है ठीक तो पहला है विशेषण भेद व्यपदेशाभ्यम तो विशेषण के उस शब्द के ऊपर बोल रहा है देखो कैसे <coughs> तब विशेषण देने के कारण और भेद का कथन करने के कारण ये दो हेतु है ठीक ये जीव ना जगत का कारण है जगत का कारण न जीव है न प्रधान है इसलिए कह रहे यहाँ पर विशिनाष्टि क्योंकि सूती विशेषण दे रही है जगत के कारण में विशिनाष्टि मतलब विशेषण दे रही है विशेषि जो का अर्थ कौन श्रुति भगवती प्रकृतम भूतयोनि जो प्रकरण का विषय है जगत का कारण भूतयोनि भूतानाम योनि इति भूतयोनि मतलब जगत का कारण वो जीव से विलक्षण है शारीरा विलक्षण न है जीव वो जीव से परमात्मा विलक्षण है कैसे विलक्षण हुआ क्योंकि दिव्यत्व आदि ये जो है गुण परमात्मा में है जीवत में घटेगा नहीं ये श्रुति बोलते हैं मुंडक के दिव्यो ही अमृत पुरुष सब बाह्याभ्यंतरो है ये श्रुति है दिव्य मतलब क्या स्वयं प्रकाश दैतनात्मक है वो सारा जगत को प्रकाशित करता है वो किसी से प्रकाशित नहीं होता है ना अनुभाति सर्वं तस्य वासा सर्वं इदं विभाति परमात्मा सबका प्रकाशक है ना क्योंकि तो वो का हो द्वेतनात्मक मतलब स्वयं ज्योति अत्र पुरुष स्वयं ज्योति ये कह रहे हैं आप अमूर्त अमूर्ता और क्या कहा अमूर्त का अर्थ यहाँ पर ले लो पूर्ण अमूर्त का अर्थ यहाँ पर पूर्ण परमात्मा से अतिरिक्त जितने भी है वो मूर्त है समझ में ना? हाँ एक मूर्त एक अमूर्त होता है मूर्ता मूर्त ब्राह्मण है ना वो वहाँ पर नहीं मूर्त मतलब जहाँ पर रूप रहता है उसको कहते हैं मूर्त जहाँ पर रूप नहीं रहता है उसको कहते अमूर्त ये तो मूर्ता मूर्त हो अलग पृथ्वी तेज अमूर्त है और वायु और आकाश अमूर्त है सज में ना, ना? <laughs> लेकिन ऐसा यहाँ पर अमूर्त का अर्थ नहीं है ये अमूर्त का अर्थ है पूर्ण क्या है ये पूर्णा, पूर्णा है पूर्ण और पुरुष का अर्थ प्रत्यकात्मा पुरुष पूरी सहित पुरुष ऐसा अर्थ करना यहाँ पर पुरुष का अर्थ है ठीक है बाह्यम स्वह्यम अंतरो हज तब बाह्य है स्तूल हाँ। समझ में ना, आभ्यंतर है हैं, बाभ्यंतर कहने से कारणम सूक्ष्म ठीक है उसके सब उसका अधिष्ठान के रूप से जो रहता है कार्य कारण सब का अधिष्ठान स्वरूप से, से जो है उसको कहते हैं सबाहभ्यंतर ऐसा है ठीक है ही क्योंकि श्रुति में ऐसा कहा गया ही क्योंकि ऐसा कहा गया प्रसिद्ध है ले अज उसका जन्म नहीं होता है समझ में ना उसका जन्म नहीं होता है अप्राणो है अमना शुभ्रह प्राण मनादि से वो रहित है अत्यंत शुद्ध है अविद्या का संबंध नहीं है ठीक है न अविद्या परमात्मा में आश्रित है फिर भी अविद्या का संबंध नहीं है अविद्या मिथ्या है ये संबंध वास्तविक परमात्मा में होता नहीं है ये शुभ्र <coughs> ऐसा कह कर है। नहि एत दिव्यत्वादि दिव्यवादी अविद्या अविद्यात्युपस्थात नाम परेद अभिमानी अभिमान तुस्त्में कल्पयता शरीर से उपपद्यते ये जो दिव्यत्व पूर्णत्व आदि जो गुण कहा गया विशेषण ये जीव में घटेगा नहीं ये बोलते हैं क्यों क्योंकि जीव तो अभिमानी है परिचिन्न शरीर में अभिमान करता है ये बोलते हैं। अविद्या अविद्या उपस्थापित नाम रूप ये जरा सी ठीक से रखो ये जो शरीर है ना ये नाम रूपात्मक जो शरीर है ये हो गया अविद्याकृत है ये अविद्या से ही प्राप्त है शरीर ठीक है अविद्या काम कर्म हो तो आपको शरीर मिलेगा नहीं तो काय को शरीर मिलेगा है ना? अविद्या कृत नाम रूप हो गया शरीर यही है परिच्छेद ठीक है शरीर के कारण परिच्छेद है अल्पत्व है ठीक है और ऐसा जो शरीर है उस शरीर में जो जड़ता मूर्तत्व आदि धर्म है उसका अभिमान करता है जीव शरीर के धर्म को अपना धर्म मान लेता है जीव इसको कहते हैं परिच्छेद अभिमानिन परिच्छेद शरीर में ठीक है साढ़े तीन हाथ <laughs> स्तूल है कृष है है ना कृष्ण है गौर है ये सब ले लो है ना? उसका अभिमान करता है जीव इसलिए परिच्छेद अभिमानिन हो गया ना तद धर्मान स्वात्मी कल्पयत शरीर के धर्म को अपने में कल्पना करता है और मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसा अनुभव करता है ऐसा जो शरीर जीव उसमें दिव्यत्वादि धर्म संभव नहीं है ये कह रहा है अच्छा तस्मात् साक्षात औपनिषद पुरुषः यह उच्य दे और जगत का कारण को तो पुरुष कहा गया और ओपनिषद कहा गया है न साक्षात औपरोक्षात् ब्रह्म औपनिषद पुरुषम पृछा में परमात्मा का जो ज्ञान होता है उपनिषद प्रमाण से ज्ञान होता है ऐसा कह रहे तथा यहाँ तक हो गया पहला हेतु का विशेषण ये पहला जो हेतु है ना विशेषण उसका विचार हुआ अरे भेद व्यपदेशात जगत का कारण को माया से पर कहा गया समझ में ना माया से पर है परमात्मा ये बोलते हैं अच्छा देखो कह रहे तथा अपि प्रकृतम भूतजोनी भेदना व्यपतिश्य है ना बोलते हैं प्रधान जो है त्रिगुणात्मिका प्रकृति उससे भी है भिन्न है जगत का कारण जो प्रकृत है परमात्मा उसका कथन करती है श्रुति कैसे अक्षरात परतः पर अक्षर से परमात्मा पर है विलक्षण है ठीक है अच्छा एक चीज सुनो महाराज आप वेदांती लोग कभी भी तुरंत पलट देते हो जो आप पहले कहे हो उसी से पलट रहे हो समझ में ना क्योंकि पहले तो आपने कहा ना शब्दम है ना त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है सांख्य लोग जिसको मानते हैं अशब्द है शब्द प्रमाण से प्रतिपाद्य नहीं है एक बार जो आपने कह दिया त्रिगुणात्मिका प्रकृति उसमें कोई शब्द प्रामाण्य है ही नहीं शब्द प्रमाण का विषय नहीं है ऐसा आपने जब कहा और मुंडक जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर कह दिया कि वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति वो अक्षर है तो अक्षर शब्द से तो आपने बोल दिया है कि नहीं तब तो परस्पर में विरोध हो गया ना आज पकड़ में नहीं आया आ गया पहले जो आपने कहा कि ना शब्दम सूत्र में पंचम सूत्र में प्रथम पात के वहाँ पर आपने ये कहा कि त्रिगणात्मिका जो प्रकृति है वो शब्द से प्रतिपाद्य प्रमाण से शब्द प्रमाण से प्रतिपाद्य नहीं है ऐसा कहा आपने अरे इधर बोल रहे हो कि अक्षरात परतः पर वो परमात्मा अक्षर से पर हाँ उसी प्रकृति को तो आपने अक्षर शब्द से बोल दिया है कि नहीं ये शंका है इसका निराकरण करते हैं देखो हमारे अभिप्राय को तुम नहीं समझते हो तो यहाँ पर जो कह रहे हैं अक्षरात परतः तो पर तो यहाँ पर अक्षर शब्द से वो माया को कही जा रही है त्रिगुणात्मिका प्रकृति को नहीं कही जा रही है और त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो माया है माया माया अनिर्वचना जो माया है माया को अक्षर शब्द से क्यों बोलते हो देखो अक्षर शब्द का अर्थ इति अक्षरम नहीं करना है <laughs> फिर अशुव्याप्त तो होता है धातु है व्याप्तो व्याप्ति करना अर्थ में अस धातु होता है सकार अश ठीक है उसी से अक्षर शब्द बनता है क्या शब्द अक्षर शब्द बनता है तो इसलिए क्या होगा अश्नोति व्याप्नोति, स्विकार जातम इति अक्षरम्। ये अक्षर शब्द का अर्थ है है न अशनौती व्यापनौती स्विकार जातम इति अक्षरम जो अपने कार्य को व्याप्त करे उसको बोलते हैं अक्षर हो गया ना इसलिए माया अपने कार्य को व्याप्त करती है जो कार्य नहीं है उसको व्याप्त नहीं करती है परमात्मा को माया व्याप्त नहीं करती है क्योंकि परमात्मा कार्य नहीं है व्याप्ता कार्यों को करती है इसलिए त्रिगुणात्मिका प्रकृति को क्या बोलते हैं माया को अक्षर बोलते हैं तो अक्षर शब्दों का क्या विग्रह हुआ बोलो स्विकार जाता मिति अक्षर हम्म आए समझ में भाष्य में इसलिए आया अक्षरम अव्याकृतम अव्याकृत और अक्षर को कहते हैं अव्याकृत अव्याकृत का अर्थ होता है अव्यक्त और अव्यक्त का अर्थ अनादि ये अभिप्राय है वो माया अनादि होने से इसको अव्यक्त शब्द से कहा गया है ठीक है भाषा में ना अव्यक्त पढ़ो अक्षरम लो क्या होगा भाष्य मतलब सबसे ऊपर अक्षरम एवं हाँ बैस 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 यही कह रहे अक्षरम अव्याकृतम नाम रूप बीज शक्ति रूपम ऐसा है ठीक धीरे धीरे समझा करो तो नाम रूप बीज रूप बीज शक्ति रूपम मतलब क्या नाम रूप बीजम ये नाम रूप बीजम <laughs> नाम रूप हो गया प्रपंच उसका बीज हो गया ईश्वर और ईश्वर की शक्ति है माया हो गया इसलिए नाम रूप बीज शक्ति रूपम हुआ कि नहीं हुआ हाँ एक एक शब्द को समझोगे तब होगा नाम रूप हो गया प्रपंच ठीक है प्रपंच का बीज प्रपंच का अधिष्ठान विवर्त उपादान वो हो गया ईश्वर है कि नहीं जगत का संकल्प करने वाला ईश्वर इसलिए बीज हो गया ईश्वर और उसकी शक्ति है माया इसलिए माया को कह दी गई नाम रूप बीज शक्ति रूपम वाह ऐसा है तो माया को शक्ति क्यों कहते हो <laughs> है ना नद्यपि माया जगत का उपादान है परिणामी उपादान है फिर भी माया परतंत्र है स्वतंत्र नहीं है इसलिए माया को बोलते हैं शक्ति <laughs> क्या समझ आया माया को इसलिए शक्ति कहते हैं पकड़ माया और जहाँ पर शक्ति को परमात्मा कहते हैं है ना? जगत कर्त्री बोलते हैं तो वहाँ पर शक्ति की प्रधानता से नहीं वहाँ तो पर शक्तिमान की प्रधानता से शक्ति को कहते हैं जगत की कर्त्री, जगत धात्री हाय आप लोगों को भी ऑनलाइन वाले सुनने वाले इसलिए देवी को हाँ देवी को शक्ति बोलते कि नहीं देवी को जो शक्ति बोलते हैं वो माया को लेकर शक्ति नहीं बोलते हैं ध्यान में रखना <laughs> माया का अधिष्ठान शक्तिमान है ना? शक्तिमान जो चेतन अंश है चेतन चेतन स्वरूप अधिष्ठान स्वरूप है ना? तो उसकी प्रधानता से देवी को कहते हैं शक्ति पकड़ माया वही जगत का कारण माया को लेकर नहीं कहते हैं उसको ठीक है जिस देवी की उपासना की जाती है वो माया को लेकर उपासना नहीं की जाती है ठीक है माया का अधिष्ठान जो चेतन है उससे है हाँ, उससे अभिन्न मान करके उसकी उपासना की जाती है माया को मान करके उपासना नहीं की जाती है ये ध्यान में रखना ठीक है ठीके? चलो <clears throat> और यहाँ पर जो माया को ये शक्ति बोल रहे हैं उपास्य शक्ति मान कर नहीं कह रहे हम पर फिर माया को शक्ति क्यों बोल रहे हो क्योंकि परमात्मा में माया आश्रित है माया परतंत्र है माया दक्षिणा प्रकृति सुयत स चरा चरम तो परतंत्र कौन है सब माया इसलिए माया परतंत्र होने के कारण माया को क्या कहते हैं शक्ति हो गया ये शास्त्र का बड़ा रहस्य होता है ठीक है चलो अच्छा आगे भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म कहा गया है ना? भूत सूक्ष्म मतलब क्या है भाई ये जरा समझ के रख लो है ना? भूत सूक्ष्म का मतलब भूतानाम सूक्ष्म सूक्ष्म का अर्थ तो होता है संस्कार क्या है ये भूत का संस्कार जहाँ पर रहता है समझ में है ना उसको कहते हैं भूत भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म ठीक है हाँ किसको कह रहे हैं यहाँ पर माया को लेकर किसको लेकर के माया माया जो है ना सारा जगत का जो लय होता है है ना तो कार्य का जो संस्कार है वो संस्कार कहाँ रहता है वो तो माया में है ना प्रका काल में जीवों का जो संस्कार है वो कहाँ रहता है माया में रहता है इसलिए माया को कहते हैं प्रकृति को कहते हैं भूत सूक्ष्मम ये बबरी समाज करो ये थोड़ा व्याकरण समझना पड़ता है इसलिए भूतानाम सूक्ष्म सूक्ष्म का अर्थ है संस्कार भूतानाम सूक्ष्म संस्कारा यस्पिन तत् भूत सूक्ष्म हुआ कि नहीं तो प्रला काल में ये संस्कार तुम्हारा कहाँ रहेगा और तो माया में रहता है समझ में नहीं है? ऐसा कह रहे अच्छा भूतानम सूक्ष्म संस्कार यहाँ पर वो हो गया भूत सूक्ष्म ठीक है और क्या लिखते हैं और एक शब्द आ रहा है इसके ऊपर बड़ा भीच, बहुत विचारणीय है अभी एक शब्द आ रहा है देखो ईश्वरा आश्रयम वो जो माया जो है ना अव्यकृत ठीक है नाम रूप विजय शक्ति रूप जो भूत सूक्ष्म वो क्या है ईश्वर आश्रयम ईश्वर आश्रय है ना? ईश्वर आश्रम मतलब क्या है ये जरा समझ कर रख लो ईश्वर है चेतन ईश्वर क्या है चेतन इसलिए ईश्वर है चिन्ह मात्र है आश्रय से तत् ईश्वराश्रय वह ईश्वर है चेतन अधिष्ठान हो गया ना। माया तो कल्पित है ईश्वर चेतन तो सत्य है कल्पित कहाँ पर रहेगा सत्य में रहेगा है ना ये कह रहे हैं ईश्वर है आश्रय जिसका किसका माया का गए कि नहीं होगा पकड़ माया ऐसा और यही जो माया है यही गई उपाधि जीव ईश्वर में भेद नहीं है फिर भेद का उपाधि कौन है माया है ना हाँ चिन्ह है तो चेतन एक ही है वही एक ही चेतन है माया को लेकर के वही जगत का कारण हुआ और सूक्ष्म शरीर को लेकर के वही हिरण्यगर्भ है स्थूल को लेकर के ले वही विराट है ये जो भेद हो रहा है चेतन में इसका उपाधि कौन हो गया माया इतना आया? अच्छा अब एक विचार है भाई माया जो है माया का आश्रय हो गया ईश्वर बोल दिया आपने है कि नहीं ये आश्रय का जो अर्थ है ना आश्रय का अर्थ कुछ लोग कहते हैं विषय क्या कहते हैं देखो ऐसा है ना सुनो माया है अज्ञान माया को हो अज्ञान को हो अविद्या को हो है तो एक ही है समझ में है ना तो जैसे ज्ञान होता है ना ज्ञान 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 होता है ज्ञान का एक आश्रय होता है ज्ञान का एक विषय होता है सुनते हो hmm. क्या जैसे तुमको घट ज्ञान हुआ तो ज्ञान कहाँ पर हुआ तुम्हारे में हुआ ज्ञान का आश्रय हो गया आत्मा मन को लेकर आत्मा हुआ तो ज्ञान का आश्रय हो गया आत्मा पौड़मेंगे नहीं है ना ज्ञान कहाँ पर हुआ तुम्हारे में के घट में हो रहा है तो घट का आश्रय हो गया चेतन ये घट बोल दिया ज्ञान ज्ञान का ज्ञान का आश्रय हो गया चेतन घट ज्ञान वृत्ति रूपी ज्ञान ठीक है किसका ज्ञान हो रहा है घट का तो ज्ञान का विषय कौन हो गया घट हो गया नहीं यहाँ पर तो दोनों अलग अलग है क्या है अच्छा अज्ञान में भी ऐसा देख लो अज्ञान में भी घट का जब अज्ञान होगा तो अज्ञान कहाँ पर घट में रहेगा कि आत्मा में रहेगा आत्मा में रहेगा तो अज्ञान का आश्रय कौन हुआ आत्मा हुआ अज्ञान किसको हो रहा है घट को हो रहा है कि आत्मा को हो रहा है <laughs> आत्मा को हो रहा है तो अज्ञान का आश्रय कौन हुआ आत्मा और अज्ञान किसका है घट का, तो, का हुआ? हुआ? तो अज्ञान का विषय कौन हुआ घट हुआ तो अज्ञान का आश्रय चेतन है अज्ञान का विषय क्या है घट है तो ज्ञान में भी जैसा हुआ अज्ञान में भी ऐसा हुआ लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर ऐसा नहीं जो मूल अज्ञान जो माया है ना तो उसका आश्रय भी चेतन है और उसका विषय भी चेतन है समझते हो आ, ऐसा क्योंकि इसके पर खूब विचार है खूब विचार है एक होता है एक जीववाद और एक होता है नाना जीववाद है ना? हाँ एक जीववाद क्या है हाँ एक ही जीवा है कल्प और नाना प्रकार के जीव दिखाई जाते हैं, ये होता है कल्पित जैसे सपना हो गया हाँ तुम कल्पना कर रहे हो अनेक जीव की कल्पना कर रहे हो तो अनेक जीव दिखाई देता है कोई सुखी है कोई दुखी है बराबर है कि नहीं सपना में और उठने के बाद ना कोई सुखी रहा ना दुखी रहा तो कितना जीव हो गए एक जीव हो गया ना जो जग गया तो उनके लिए ना कोई सुखी रहा ना कोई दुखी है इसी का दृष्टांत में भी ऐसा है ठीक है ना जिस ज्ञानी को साक्षात्कार हो गया अमसिम पर्रह्म ऐसा ज्ञान हो गया ठीक है जी ठीक से सुनो आप लोग है ना? तो उनके लिए कौन बद्ध है कौन मुक्त है <laughs> उनके लिए ना कोई बद्ध है ना उनके लिए कोई मुक्त है हो गया ना ये सपना कोई रो रहा था कोई हंस रहा था है कि नहीं उड़ने के बाद ना, ना हंसने वाला है ना सोने वाला है और ये क्या बोलते दुखी है ना सुखी है ना दुख इसी प्रकार जिस ज्ञानी को साक्षात्कार हो गया उनके लिए कोई भेद नहीं रहता है ना उनके लिए की बद्ध है ना उनके लिए मुक्त है इसको कहते हैं न निरोधो न उत्पत्ति ये है एक जीववाद एक जीववाद वेदांत में ये मुख्य सिद्धांत है समझ में आएगी नहीं आ गया तो एक जीववाद को लेकर के जो माया जो अज्ञान है उसका आश्रय उसका अधिष्ठान शुद्ध चेतन होता है कौन चेतन होता है शुद्ध चेतन शुद्ध चेतन जो निर्विशेष चेतन है जिसको यहाँ पर ईश्वर ईश्वर आश्रम का ना ईश्वर से यहाँ पर ईश्वर का लक्षार्थ लेना है नहीं है सुन रहे ना भैया आप लोग हाँ बड़ा रहस्य है इसको ये ईश्वर आश्रम जो पद हुआ ना ये पद को लेकर के बहुत विचार करते हैं बहुत ही बहुत विचार है चलिए ईश्वर यहाँ पर चेतन है निर्विशेष अधिष्ठान चेतन निर्विशेष चेतन निर्विशेष चेतन ही अज्ञान को माया को उसका आश्रय है समझ में कि नहीं और विषय भी वही है विषय भी वही है ना अहम ब्रह्म न जाना मी, जैसे अहम घटम न जाना मैं अज्ञान का विषय कौन है घट इसी प्रकार से कोई पूछेगा तुम ब्रह्म को जानते हो क्या बोलोगे ब्रह्म को नहीं जानते हो तो अज्ञान का विषय कौन हुआ ब्रह्म कौन सा ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म का अज्ञान से ही तो जगत है है कि नहीं ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया तो कौन सा जगत रहा हो है ना इसलिए कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्मा ही अज्ञान का आश्रय अज्ञान का विषय ये बोलते हैं आश्रयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला लिखो बताता हूँ श्लोक है संक्षेप शारीरिक में श्लोक है बड़ा सुंदर है विचार है ना आश्रयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला केवल चित्त मतलब क्या निर्विशेष चेतन तो निर्विशेष चेतन है वही माया का आश्रय वही माया का विषय आश्रयत्व विशेत्व भागिनी आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला चितिरेव केवला हुआ और भी उत्तरार्ध लिख दो पूर्वसिद्धतमसो ही पूर्व सिद्धतमसो लिखा पश्चिमो नावती नापी गोचर नाश्रवचर पूर्वसमो ही पश्चिम है ना जीव भी अनादि है अरे माया भी अनादि है यद्यपि दोनों अनादि है लेकिन माया जो अज्ञान है अज्ञान के बिना जीव भाव होगा <laughs> <laughs> क्यों भाई अज्ञान के बिना जीव भाव रहेगा क्या नहीं रहेगा रहे 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 तो अज्ञान हो गया निमित्त प्रयोजक हो गया जीव भाव का है कि नहीं यद्यपि जीव अनादि है माया भी अनादि है परंतु माया जो अज्ञान है उसके बिना जीवभाव हो ही नहीं सकता है समझ में आ नहीं इसलिए पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिम इसलिए अज्ञान पहले से सिद्ध है मतलब अज्ञान के बिना जीवभाव होगा नहीं इसलिए अज्ञान पहले है पूर्व सिद्ध तमसो मतलब अंधकार अज्ञान पूर्व सिद्ध तमसो ही, ही मतलब क्योंकि जो तम है अज्ञान माया वो पहले है पूर्व सिद्ध है और जीव भाव तो बाद में भी पश्चिम इसीलिए जीवों में अज्ञान नहीं रहता है क्या समय हाँ अज्ञान का आश्रय जीव नहीं है अरे जीव तो स्वयं कल्पित है वो क्या आश्रय देगा वो स्वयं जो स्वयं झूठा है वो क्या आश्रय देगा वो है <laughs> कि नहीं कहने का अभिप्राय है जो स्वयं कल्पित है वो अधिष्ठान कैसे बनेगा ये कहने का मतलब है इसलिए जो पश्चिम कहने से जीव है है कि नहीं वो अज्ञान के कारण जीवभाव होता है इसलिए पश्चिम न आश्रय हो नापी गोचर जीव अज्ञान का आश्रय नहीं है ना अज्ञान का विषय है इसलिए अज्ञान जो माया है उसका आश्रय होता है निर्विशेष चेतन शुद्ध चेतन और और वो विषय भी होता है पकड़ माया कि नहीं इसको कहते हैं एक जीववाद बोलते महाराज एक जीव मानेंगे तो बताओ फिर कौन बद्ध होगा कौन मुक्त होगा कौन गुरु होगा कौन चेला होगा फिर <laughs> और क्या एक को ज्ञान होगा तो सब मुक्त हो जाए आप ही हमारा जाओ वेदांत पढ़ लो ब्रह्मसूत्र हम का को जाएंगे फिर <laughs> पर बंधन मुक्ति की व्यवस्था कैसे बनेगी ये शंका करते ना है तो एक जीववाद ही मुख्य सिद्धांत है तो जल्दी समझ में नहीं आता लोगों को इसलिए सबसे पहले नाना जीववाद को लेकर के काया चलो मान लो नाना जीव है प्रथम क्लास में पढ़ रहे हो इसलिए मान लो कि अनेक जीव है के? समझ में धीरे धीरे तब समझ में आएगा कि हाँ एक ही जीव है <laughs> इसलिए ब्रह्मसूत्र में भी कई इसलिए दो प्रकार से विचार होते हैं नाना जीववाद एक जीववाद एक जीववाद ही मुख्य सिद्धांत है और अधिकारी के भेद से नाना जीववाद तो है ना जीवाद एक जीवाद। एक जीवाद तो जो जीवों को जो नाना मानते हैं अनेक जीव मानते हैं ठीक है तो उनके अनुसार ये जो ईश्वर आश्रय कहा ईश्वर आश्रय यहाँ पर आश्रय का अर्थ करते हैं विषय लक्षणा से क्या करते हैं विषय हो गया ना आ, ऐसा होता है क्या करके लक्षण जैसे तार्किक लोग कहते हैं ना? ज्ञान जैसे घट ज्ञान हो गया घट ज्ञान का आश्रय घट भी हो जाएगा किस संबंध से विषयता संबंध से क्योंकि घट ज्ञान का विषय कौन हो गया घट हो गया इसलिए घट ज्ञान का आश्रय घट विषय होने के कारण घट ज्ञान का आश्रय कौन हो गया घट हो गया लक्षणा से ठीक इसी प्रकार से है ना? तो अज्ञान जो माया है ना वो जीव में रहता है कहाँ रहता है जीव में ईश्वर में नहीं रहता है ठीक है फिर ईश्वर फिर आश्रय कैसे हुआ अरे भाई आश्रयकार्त विषय क्या है आश्रय आश्रयकार्त विषय मान करके यहाँ पर ईश्वर आश्रयम ऐसा कहा गया ये नाना जीववाद वाले मानते हैं आइए पकड़ में आप लोगों को ठीक है तो ऐसे जो व्याख्यान करते हो नाना जीववादी वालों का ये व्याख्यान ठीक नहीं है क्या क्या समझ में ऐसा जो व्याख्यान लक्षणा करके आश्रय का अर्थ विषय करते हो कि नहीं तो ऐसा लक्षणा करके व्याख्यान करना ये भाष्य से विरुद्ध भगवान भाष्य कर तो सीधे बोल रहे हैं कि ईश्वर आश्रय माया का आश्रय तो ईश्वर है तो काहे को जीव मानोगे भैया माया का आश्रय है कि नहीं यदि शुद्ध चेतन जो ईश्वर है वो आश्रय होने से जब व्यवस्था बन जा रही है तो फिर आश्रयकार विषय क्यों करोगे पकड़ मे नहीं ऐसा है क्योंकि सुनो बताते हैं आश्रुति भी कहती है वृदान्य में ऐ तस्मिन अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च देखो हे गार्गी बोलते हैं ए तस्विन अक्षरे अक्षर मतलब परब्रह्मा और यहाँ पर अक्षराध परत पर वहाँ पर अक्षर का अर्थ माया और अक्षर में ये आकाश सारा जगत औतप्रत है आश्रित है अध्यस्त है वो अक्षर कौन परब्रह्मा देखो अक्षर शब्द का दोनों में प्रयोग होता है परब्रह्मा में भी होता है माया में भी होता है और यहाँ पर जो कहा था ना अक्षराध परत पर यहाँ पर अक्षर शब्द का अर्थ माया है और वृदान में जो कहा गया ये खलु खोलू अक्षरे गार्गी आकाश है ओतश्चय वहाँ पर अक्षर शब्द का अर्थ क्या है परब्रह्मा एक परब्रह्म में ये आकाश आकाश मतलब अव्याकृत माया और माया का जग कार्य है जगत ये सब ओत है आश्रित है ठीक है भाई हाँ इसलिए अव्याकृत जो माया है उसका आश्रय चेतन को कहा गया इसलिए ईश्वर आश्रम में जो आश्रय शब्द आया उसके लक्षणा करोगे विषय में एक व्याख्यान करना ठीक नहीं है क्योंकि जो मूल जो प्रकृति है माया वो तो माया अनेक है माया को अज्ञान को अविद्या को ये अनेक है इसमें कोई प्रमाण नहीं है इतना आया वे बोलते श्वेता सत्र आप सुन श्वेता सत्र में मायाम तो प्रकृति महेश्वर मा, मा... महेश्वर मायाम तो मायाम जैसे रमा शब्द का द्वितीय क्या बनता है रमा माया का मायाम प्रकृति का प्रकृति मायाम तो प्रकृति विद्या है ना माया को एक बताया अभी स्वतः सत्र में माया तो प्रकृति विद्या मायनम नाम तो महेश्वरम ईश्वर कितने हैं माया भी एक ही है ईश्वर भी एक ही है हाँ बताओ गणेश जी ईश्वर है कि जी ईश्वर है <laughs> जी ईश्वर है कि जो है विष्णु ईश्वर है लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं भाई <laughs> अरे भाई जगत का कारण जो ईश्वर है ना जिसको मायापति कहो अथवा तो जिसको माइनम कहा वो एक ही है समझ में आया चाहे कोई भी हो चाहे विष्णु हो चाहे शिव हो कोई भी हो जिसको हम ईश्वर शब्द से कहते हैं वहाँ पर जगत का कारण समझ में नहीं सारी शक्तियाँ जिसमें है एक शक्ति नहीं अनंत शक्ति का आश्रय अनंत शक्ति जिसमें है उत्पत्ति स्थिति लय निग्रह अनुग्रह वही है परमात्मा नाम कुछ भी रखो कोई आपत्ति आप नहीं चाहे विठल नाम रखो चाहे जो बालाजी नाम रखो चाहे कोई नाम रखो है तो ईश्वर एक ही है ठीक है इसके ऊपर और थोड़ा विचार है इसका हम कल करते हैं ओम पूर्ण मद पूर्ण पूरा पूर्ण हाँ जी